वेलकम टू ऑल इन इन्फो फॉर ट्रिपल ई स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स भी नहीं होता और जो इसके साथ हमें मैनुअल मिलता है वो हम पढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ पर हम आपके लिए छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर के वो सारे इंपॉर्टेंट यूसेज बताएंगे जो आपको डेली यूज़ करने पड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम आपको केसीओ एफएक्स 100ms कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केसीओ एफएक्स 100ms का कैलकुलेटर है। लेट्स सी ये स्टार्ट कैसे होता है। अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन का बटन दबाएंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट इसके साथ में एसी दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी ब्राइटनेस चेंज करनी है, लाइक जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है तो आपको यहाँ पे मोड का बटन दिया है, मोड MOD, इस बटन में आप आगे जाएंगे दबाते हुए तो यहाँ पे कॉन्ट का ऑप्शन आएगा, दिस वन CONT। अब आपको इसको खोलना है तो डिस्प्ले के नीचे 1 है, कॉन्ट के नीचे 2 है, तो आपको 2 दबाना है कॉन्ट में। कॉन्ट्रास्ट इसका मतलब है कि आपको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है या डिक्रीज। अगर आप इधर का बटन दबाएंगे तो डिक्रीज होगा, इधर का दबाएंगे तो इंक्रीज होगा। लेट्स से पहले डिक्रीज करते हैं तो आप देखिए कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो गया, इंक्रीज करते हैं तो देखिए कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो गया आपका। तो ऐसे आपने कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में सिंपल ऑपरेशंस के लिए जैसे आपको स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर का बटन यहाँ पे दिया है, स्क्वायर दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्यूब करना है, सपोज 8 का क्यूब करना है तो क्यूब का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सपोज आपको इन्वर्स निकालना है तो 8 का इन्वर्स निकाला तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस कैलकुलेटर को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो बटन्स है, कुछ बटन्स के ऊपर ये आपको ब्लू से ब्राउन से लिखा है और कुछ के ऊपर आपका ये पिंक कलर से लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको वो फंक्शन ऑपरेट कराना है तो आपको ये 2 फंक्शन कीज दिए हैं, शिफ्ट और अल्फा। अगर आपको ब्राउन कीज को ऑपरेट करवाना है देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। अगर आपको पिंक कीज को ऑपरेट करवाना है, पिंक ये वाले पिंक नहीं, जैसे ABCD आपके पिंक में लिखे हैं, XYM पिंक में लिखे हैं, तो पिंक ये वाले बटन्स को अभी इनका मतलब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो जिन बटन्स को आपको ऑपरेट करवाना है तो आप उस, ये आपका फंक्शन की है, सपोज आपको मोड में जाना है तो आप डायरेक्ट जाएंगे, अगर आपको CLR क्लियर में जाना है तो आपको शिफ्ट दबाएंगे तब आपका क्लियर काम करेगा। बात समझे, तो ऐसे ही आपका काम करेगा। स्टूडेंट्स सपोज आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब, देखिए अगर आपको क्यूब करना है तो डायरेक्ट दबाएंगे, क्यूब रूट करना है तो ये ब्राउन कलर से लिखा है यहाँ पे क्यूब रूट, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो क्यूब रूट आपका ब्राउन कलर से लिखा हुआ, तो ब्राउन कलर को ऑपरेट कराने के लिए आपको ये फंक्शन की दबाना पड़ेगा और ये दबाना पड़ेगा। देखिए क्यूब रूट आ गया, सपोज 8 का क्यूब रूट तो आंसर विल बी 2। ओके, अब मोड में बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं मोड में। जब आप मोड को दबाएंगे तो आपका कॉम्प और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प मतलब कि आपके सिंपल जो बेसिक आपके जो ऑपरेशंस को आपको ऑपरेट करवाना है, जैसे स्क्वायर, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बेसिक ऑपरेशंस आपके इसमें होंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स जैसे कि A+ IJ वाली टर्म्स आपको जो इसमें सॉल्व करनी है, उसको कार्टिजन में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में सॉल्व होगा। आगे देखते हैं SD, REG और बेस। इसमें आपका बेस काम का, स्टूडेंट देखिए इस कैलकुलेटर में है तो बहुत कुछ लेकिन इंजीनियरिंग में आपके जो जो काम का आएगा हम आपको वो आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आप बेस की बात करते हैं तो बेस में आपको जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा और फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सारे यहाँ पे हम सिखाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इक्वेशंस। इक्वेशंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 2 टाइप के इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि सपोज आपको किसी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो आप सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें थर्ड ऑर्डर के इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। और अगर अननोन सॉल्व करने की बात है तो आप इसमें मिनिमम 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से। अभी आगे देखेंगे कैसे होगा। नेक्स्ट है डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। तो अगर आपको क्वेश्चंस डिग्री में सॉल्व करने हैं तो अब देखिए इसके नीचे 1, 2, 3 आ रहा है, अगर आपको इसको ओपन करना है देन आप 1 दबाएंगे, रेडियन को ओपन करना है तो 2 दबाएंगे। ये आपके मोड है, मतलब आपको कैलकुलेटर किस मोड में चलाना है। नेक्स्ट फिक्स, SCI नॉर्म, ये आपके काम के नहीं है। डिस्प्ले काउंट, डिस्प्ले से रिलेटेड है और काउंट मैंने आपको बता दिया ब्राइटनेस से रिलेटेड है काउंट। देन आप वापस आ गए। स्टूडेंट्स अगर आपके सपोज में कोई मेमोरी सेव्ड है आपको उसको क्लियर करना है तो उसके लिए आपकी कमांड है शिफ्ट
क्लियर, 3 इक्वल टू इक्वल टू। तो इसमें जो भी सेव था वो सब हट जाएगा, कैलकुलेटर आपका बेसिक फॉर्म में आ जाएगा विद डिग्री। देखिए अगर आप यहाँ पे ऊपर ध्यान दे तो आपका डी बना रहा है ऊपर, यहाँ पे कुछ और भी लिखा आ रहा है, तो आप शिफ्ट क्लियर 3 इक्वल टू इक्वल टू करेंगे तो आपका अननोन्स, अगर तो आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे। तो सपोज हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो पहले सीखते हैं इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है। तो हम बोर्ड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे। अब देखिए अननोन्स 2 और 3, और इसके सामने एक एरो बना है, मतलब इसमें कुछ और भी है करने के लिए। अननोन्स, अगर आपको 2 अननोन वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसमें जाएंगे, आपको 3 अननोन सॉल्व करने हैं तो इसमें जाएंगे। आगे देखते हैं डिग्री, आपको सेकेंड ऑर्डर की अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप 2 दबाएंगे, थर्ड ऑर्डर की करनी है तो आप 3 दबाएंगे। ओके, लेट सपोज हमें अननोन सॉल्व करना है, तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान देनी है कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में आपको पूछ रहा है। आप जैसे ए वन है, बी वन है, सी वन इक्वल टू हम अब जाएंगे तो ए टू है, बी टू है, सी टू है, आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है इनकी। अभी हमने कुछ नहीं डाला तो आपको मैथ्स एरर दे रहा है, आपने इक्वेशन डाली नहीं और आप आंसर चेक कर रहे हैं तो इसलिए मैथ्स एरर दे रहा है। आप ऑन पे आएंगे तो अभी आपका जो कैल्सी है ये इक्वेशन मोड में है, तो आपको वापस वहीं पर ले आएगा। सपोज आपको वैल्यूज कैसे डालनी है, ए वन का सपोज आपके सामने इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है 2x + 3y = 4, और दूसरी इक्वेशन है 5x + 8y = 9, ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी, तो कॉफिशियंट्स आपको यहां पे लिखने हैं, और स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इक्वेशन की वो है ax + by = c। ध्यान दीजिएगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही, यहां पर ही मिस्टेक होती है। और दूसरा जो आपकी इक्वेशन होगी उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा, जैसे कि a2x + b2y = c2। तो यहाँ पे ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू क्या है, कॉफिशियंट है आपके इक्वेशन के। तो इक्वेशन के क्या हो जाएंगे कॉफिशियंट, 2, 3, 4, 5, 8, 9। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। अब देखिए आंसर आ गया, इसके नीचे एक छोटा सा एरो बना है, इसका मतलब है एक आंसर और भी है इसमें। इक्वल टू दबाएंगे तो आपका -2। अब देखिए एरो ऊपर आ रहा है, आप बता रहे हैं एक आंसर इसके ऊपर है, तो हर चीज का मतलब है। आप समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि आपके कैलकुलेटर में क्या हो रहा है और क्या बता रहा है आपको। अब आपको सपोज थर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो बाहर आएंगे, मोड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, 3 अननोन्स, तो आपको सेम 3 अननोन्स आ जाएंगे आपको। तो आपको तीनों अननोन्स के यहाँ पे जब डालेंगे कॉफिशियंट्स तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। सपोज फर्स्ट इक्वेशन हम कुछ ले लेते हैं 3x + 4y + 5z = 15, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 9y + 14z = 8, थर्ड इक्वेशन है 6x + y - 3z = 10। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनके कॉफिशियंट्स यहाँ पुट करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो आप ध्यान दें, देखिए x1 की वैल्यू आ गई नीचे, अभी आंसर और है, y की आंसर आ गया है, और z का भी आंसर आपका आ गया है। इट मींस कि आपके सॉल्यूशन इक्वेशन के हैं। सपोज आपको डिग्री, आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, और आपको उसके रूट्स निकालने हैं, तब कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। तो आपको अगेन इक्वेशन में जाना है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो इक्वेशन है ये आपके कुछ इस फॉर्म में दी है, ax² + bx + c इस फॉर्मेट में है, = 0। और जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें इक्वल टू के उधर सी था, ax + by = c था, और इसमें क्या हो जाएगा ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ऐसे यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है रूट उस x² + 4x + 4, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा 1, 4x + 4 = 0, तो रूट्स क्या आ गए -2। आपने इक्वल टू दबाया तो आपको पता है अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो आपके रूट्स 2 होंगे, लेकिन इसमें एक ही रूट दिखा रहा है, आपने इक्वल टू दबाया तो फिर से वही आया, तो इसका ये मतलब है कि वही रूट उसके 2 बार है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सपोज कोई और इक्वेशन लेते हैं, सपोज इक्वेशन आपके पास x² + 5x + 6 = 0। तो देखिए पहला रूट आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है -3, आपके रूट्स आ गए। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बहुत ज़्यादा, 2x² + 4x + 5, इसके रूट आपके क्या आ रहे हैं -1, और ऊपर कुछ लिखा रहा है रियल एरो आई, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट भी है, उसको देखने के लिए आप कैसे जाएंगे शिफ्ट और इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है रियल और आर ई और आई एम, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आपको देखना है तो आप शिफ्ट और इक्वल टू दबाएंगे। तो इसका रूट का इमेजिनरी पार्ट भी आ गया और रियल पार्ट पहले देखा आपने। सेकंड दबाएंगे सेकंड रूट के लिए इक्वल टू, तो उसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट देखने के लिए शिफ्ट इक्वल टू, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है।
तो ये आपकी इक्वेशन के रूट्स हो गए। सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें सबसे खास बात ये है, आपको कोई इक्वेशन दी है, आपको उस इक्वेशन की वैल्यू चेक करनी है अलग अलग पॉइंट पे, तो आप उस इक्वेशन की वैल्यू डायरेक्ट इस कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है। सपोज आपने एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए आपने एक्स कैसे लिया, अल्फा के साथ में लिया, क्योंकि अल्फा पिंक है और एक्स के ऊपर भी पिंक है। एक्स तभी काम करेगा जब आप अल्फा को दबाएंगे। सेकेंड आपने लिया 3x² + 5, ये सपोज आपकी इक्वेशन है। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे, बहुत सारी वैल्यूज हैं सपोज आपके पास, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको सी ए एल सी कैलकुलेट करना है फॉर व्हाट एक्स। सपोज एक्स इक्वल टू 5 पे, तो आंसर आपका 205 आ गया। सब आपको दोबारा कैलकुलेट करना है तो आप सी ए एल सी इस बटन को दबाएंगे 9 पे, आपका आंसर आ गया। दोबारा कैलकुलेट करना है -5 पे, तो आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट जल्दी अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आपको ये बहुत सारा काम आता है, तो ये कैलकुलेटर के बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स सपोज अगर आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सपोज साइन कॉस टेन की आपको वैल्यूज निकालने, उनका इन्वर्स निकालना है, तो आप ये सारे काम भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप साइन कॉस, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि आप उसकी वैल्यूज डिग्री में डाल रहे हैं या रेडियन में डाल रहे हैं। अब देखिए मोड में जाइएगा, एक बार दबाएं, दो बार दबाएं, तीन बार दबाएं, चार बार, अब आपको 1 दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर डिग्री में काम करेगा, 2 दबाएंगे तो रेडियन में काम करेगा। तो हमको अगर डिग्री में काम कराना है तो 1 दबा दिया हमने। क्या ब्राउन में वैल्यू निकालनी है साइन 45 की, जो कि 1/√2 होती है, तो आंसर आ जाएगा 0.7071। सपोज आपको कॉस 33.78 की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इन्वर्स निकालना, तो आप ध्यान दीजिए साइन के ऊपर साइन इन्वर्स लिखा है, वो किसमें लिखा है, ब्राउन में लिखा है। ब्राउन कब ऑपरेट करेगा, जब आप शिफ्ट दबाएंगे। सेम ईयर कॉस के ऊपर क्या है, कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स कब वर्क करेगा, जब आप शिफ्ट दबाएंगे। सपोज को कॉस इन्वर्स 40 डिग्री निकालना है, तो आंसर क्या, सपोज आपको कॉस इन्वर्स 0.75 निकालना है, तो आंसर क्या आ गया, 41.41, ऑलमोस्ट इतने डिग्री आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेटर आपका दो मोड में काम करता है, इंजीनियरिंग मोड और नॉन इंजीनियरिंग मोड। तो देखिए वो क्या होते हैं, आप जाएंगे डिस्प्ले में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, डिस्प्ले में जाइएगा इंजीनियरिंग मोड ऑन या ऑफ। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके जो भी आंसर्स आएंगे साइंटिफिक टर्म्स में आएंगे। सपोज 6 × 5, तो आंसर 30 आया। अगर आप कोई बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 225 × 63, तो आंसर देखिए कैसे दिखा रहा है, 16.065 के। के का मतलब क्या है, किलो, मतलब कि इंटू 10^3 इसमें मल्टीप्लाइड है, वो आपको समझना है। सपोज आपका है 5569 इंटू सम रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब कैपिटल एम इज योर मेगा 10^6। तो आपको इंजीनियरिंग मोड में अगर आंसर चाहिए तो आप इंजीनियरिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। अब सपोज अब आप बाहर आए तो आप देख रहे हैं कि आपका डिग्री ऑन है, इंजीनियरिंग मोड है। सपोज आपके एक दो चीज़ और ऑन कर देते हैं हम इसमें, तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे डिग्री ऑन है, इंजीनियरिंग मोड ऑन है। आपको इसको वापस बंद करना है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं सब कुछ, शिफ्ट क्लियर 3 = = आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया दोबारा से। स्टूडेंट्स आप इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कन्वर्जन्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक दिया है ग्रीन कलर से, और लॉजिक आपके कौन कौन से है, इसमें डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है और ऑक्टल है। अगर आपको इनको इंटरचेंज करना है, डेसिमल टू हेक्सा जाना है, हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, और इंटरचेंज भी आप कुछ निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलता है ये। स्टूडेंट्स अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपको मोड में जाना पड़ेगा बेस 3। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे डी बना रहा है, तो इट मीन्स इट इज इन डेसिमल। आप यहाँ पे दिस बटन को दबाएंगे तो एच आ गया, इट इज इन हेक्सा बाइनरी और ऑक्टल। तो जिसमें भी आपको डाटा को एंटर करना है उसमें दबाएंगे। सपोज आपने डेसिमल लिया है, तो आपने डाटा एंटर करा 45179, ये आपका डाटा आ गया। आपको डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है सपोज, या डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्टल दबाना है, ये आपका आंसर आ गया। आपको हेक्सा में चेंज करना है तो हेक्सा दबाना है, इसका आंसर आ गया। आपको इसको बाइनरी में चेंज करना है, अगर ये इसकी लिमिट के अंदर होगा तो आंसर आ जाएगा, वरना मैथ एरर दिखाएगा, मैथ एरर, तो इसकी आउट ऑफ लिमिट हो गया। कुछ रेंज है कैलकुलेटर की, आप उससे ज़्यादा इससे सॉल्व नहीं करा सकते।
तो आप ऑन करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब बाइनरी में डाटा देना है तो 10010, ये आपने डाटा दिया। आपको कोई नंबर ऐड करना है बाइनरी के या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सारे काम भी इसमें हो सकते हैं, +10001, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस नंबर को सपोज ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको डायरेक्ट बटन दबाना है, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, बाइनरी टू हेक्सा जाना है, हेक्सा टू डेसिमल जाना है। आप इसमें पॉइंट वाले नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 25.25, तो वो यहाँ पे पॉइंट काम ही नहीं करेगा आप देखेंगे तो ये सिर्फ आप डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को ही चेंज कर सकते हैं और दूसरे नंबर चेंज नहीं कर सकते, डेसिमल वाले नंबर को या फ्रैक्शन वाले नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी है। आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग 25 निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एल एन निकालना है, नेचुरल लॉग निकालना है 25 तो वो भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है तो आप देखेंगे एल एन के ऊपर ब्राउन कलर से ई एक्स लिखा है तो आप शिफ्ट ई एक्स, ई एक्स की पावर, इसकी पावर आप इसके बाद में लिखेंगे, सपोज ई एक्स टू पावर 5, इसका मतलब है ई एक्स टू दी पावर 5, तो आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स सपोज आपको एक्स टू दी पावर, सपोज आपको 2 की पावर 1.99 सॉल्व करना है या 5 की पावर 1.3 सॉल्व करना है तो वैसी चीज़ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 दिस इट मीन्स इट्स टू दी पावर, तो 5 टू दी पावर हाउ मच, सपोज 1.48,